हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं अभी। और लगातार पूरा दिन जो है, आज हमने अपना जो यूट्यूब चैनल का हाफ मोनेटाइजेशन था उसको हमने जो है कल आधा प्रोसेस किया था, और आधा जो बचा हुआ था कल वो फाइनल हो गया। उसके बाद जो है हमने थैंक्स सुपर चैट होता है उनको इनेबल किया, उसके बाद मेम्बरशिप को इनेबल किया। तो उसके लिए जो मुझे यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखना पड़ा, बहुत सारा वीडियो को समझना पड़ा। तो मैंने लगातार वीडियो देखा, लगातार वीडियो को समझा और उसको अच्छी तरह से हमने एनेबल किया। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए और मैं यूट्यूब में वो अच्छा ब्लॉगर बन सकूं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखा सकूं, उसके लिए जो है सहयोग राशि जो हमने 79 रुपीज़ पर मंथ रखा है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो बिल्कुल करिए। और 29 रुपये कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होता है, आपके सहयोग से हम अच्छे कर पाएंगे और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव, अपना एरिया जहाँ पर हम लोगों का खेती वगैरह होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ लोग जो है यहाँ पर खेती वगैरह सब कर रहे हैं। खेत में अलग अलग जगह अलग अलग लोग दिख रहा होगा। अभी इसमें जो है देखिए मक्का लगा हुआ है, ये देखिए ये है मक्का। इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो मक्का होता है इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे कौवा आया उस डिबी को उखाड़ के उसका दाना खा जाता है, फिर उसको छोड़ देता है। तो ये कुछ बड़ा होने तक जो है इसको कौवा से बचाना पड़ता है। अभी सूरज भी ढलने को चला है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ किसान लोग हैं अपने फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ एक खेत में जहाँ पर आलू यानी जिसको हम इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, उसकी खेती कैसे होती है मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ लाइव। अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है आलू की जो है खेती कैसे की जाती है स्टार्टिंग से, खेत बनने के बाद वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आलू रोपे छो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चार चार उंगली एक एक बीत पर जो है, ये देख सकते हैं कितना है, 4 उंगली इधर हो गया, 4 उंगली यानी कि 8-8 जो है उंगली पे, यानी कि एक बीत छोटा उंगली से मान सकते हैं कि आलू को लगाया गया है। और ये आलू इसीलिए इतना दूरी पे रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो आलू है जब इनसे पौधा निकलेगा तो इसमें कई सारा आलू बनेगा। तो कई सारा आलू बनने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए इनको, क्योंकि एक आलू में लगभग 5-10 आलू होता है, तो लगभग इतना स्पेस काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह से इसको किया गया, इस तरह से इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो है मिट्टी दिया जाएगा, ये आप देखिए ये सब तो कट किया जा चुका है, यहाँ आप देखिए अब उसे मिट्टी डाला जा चुका है, ये देखिए। उसी तरह से इसमें भी जो आलू लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पर इसको देखिए, क्या नाम है तुम्हारा, की नाम छियो, ये भी खेती करने आई है, सरली कने छे, सरली तेज आलू रोपे लावे छतरा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, देखिए इसको, इसको देखिए कितना ठंडा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुमको, अच्छा लग रहा है, इसको ठंडा लग रहा है। तो यहाँ फिर से जो है देखिए आलू का जो है सिलसिलेवार ढंग से लग चुका है और इसमें मिट्टी पड़ेगा। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं पॉट, इसको बोलते हैं ठेठी में, रे बना हुआ है। तो ये जो है आलू इसमें लग चुका है। इसके अलावा जो है आप इधर देखेंगे, आपको मैं इधर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ कुछ आपको छोटा छोटा पौधा दिख रहा होगा। ये सारे पौधा जो है ये गोभी है, जिसको हम लोग कॉलीफ्लावर बोलते हैं, और कैबेज को हम लोग बंद गोभी बोलते हैं, कॉलीफ्लावर को फुल गोभी। तो ये जो है फुल गोभी का वृक्ष है, ये देख सकते हैं, कोई कोई वृक्ष बड़ा है तो ये देख सकते हैं ये कॉलीफ्लावर का है। तो अभी ये छोटा सा है, धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाएगा। तो किसान अपने खेत में अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से हर कुछ उपजाने का काम करते हैं। और गांव घर में सबसे बड़ा जो जीविका का साधन होता है यही होता है, तो आप देख सकते हैं। और सामने में जो वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर रोड बन रहा है, मेन रोड जो हम लोगों को डायरेक्ट जो है सिमली बख्तियारपुर से कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप दो टीला देख रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है। और यहाँ जो स्पेस खाली है, तो हम लोगों के यहाँ है क्या कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग खेत में इसी तरह से जो है उसका दाह संस्कार करते हैं, जलाने का काम करते हैं, और उसके स्पेस को छोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं जिनका ये खेत है, तो यहाँ पर जो है उनके पूर्वजों का जो है यहाँ पर जो है जलाने का काम किया गया है। तो ये उस टाइप का, जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत स्पेस आपको छुटा हुआ मिलेगा तो वो स्पेस जो है उसी के लिए होता है। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा भी ज़मीन जो है उस रोड में है, तो और अभी वो रोड पिचिंग हो रहा है। लगातार हम लोग कई साल से जो है और रोड पर गाड़ी जब चलाते हैं तो आगे का जो इंजन होता है उसका जो पार्ट होता है तो लगभग जो है नीचे ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से उसमें सट जाने से जो टेढ़ा हो जाता है, अंदर चला जाता है, तो कई बार रुपया अलग से ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो वो जो प्रॉब्लम है हम लोगों को, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिमड़ी बख्तियारपुर जाने के क्रम में बहुत सारा जगह ऐसा है कि जो है अंदर में उसको लग जाता है, हिट कर जाता है। तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा रोड बनने से,
हालांकि रोड ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि ट्रैक्टर का ज़्यादा आना जाना होता है और ज़्यादा थोड़ा इससे पहले से टिकने ज़्यादा मतलब इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो है मिट्टी उतना जो है बैठा हुआ नहीं था, लेकिन अब मिट्टी बैठ चुका है तो थोड़ा उससे ज़्यादा रोड चलेगा, लेकिन उतना भी नहीं चल पाएगा। तो हम चलते हैं और देखते हैं रोड को। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा जो है मवेशी वगैरह भोजन कर रहा है और ये जो एरिया है ये एरिया पूरा खाली पड़ा है, इसमें लोग बच्चा लोग जो है बैट बॉल सब वगैरह खेलता है। लगभग अच्छा खासा एरिया है और यहाँ पर घोड़ा वगैरह तो यहाँ पर जो है फ्री है, कोई भी अपना जो है गाय माल भैंस को रख सकता है, चरा सकता है, कोई खेल सकता है, तो कहीं कोई मनाही नहीं है। तो कहाँ कहाँ बासु भी आ गया है। यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर सड़क बन रहा है, आप देख सकते हैं अभी, और उधर से जो है रोलर है, जो रोलर लगातार चलते हुए आ रहा है ताकि इसको बैठाने का काम करेगा, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि सड़क बन रहा है। बहुत लंबे समय के बाद सड़क बनता है तो खुशी अलग ही प्रकार का होता है, अलग ही लेवल का होता है। तो ये आपको हो गया रोलर। यहाँ पर जो है माल नीचे गिर रहा है, आप देख सकते हैं रस्सी आ गया। ये रहा मशीन जो पिचिंग करने का काम करता है, ये देखिए इसमें जो है माल गिराया जाता है, वो बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं ट्रक, इससे जो है इसमें माल गिरता है ये, और ये माल जो यहाँ पर गिरने के बाद जो है ईसो के निकलता है, ईसो करके यहाँ से माल निकलता है देख सकते हैं, और फिर यहाँ इधर से गिरता है एकदम इक्वल मात्रा में। और ये मशीन हो गया पिचिंग करने वाला और वहाँ पर हो गया रोलर। फाइनली हम लोगों के यहाँ का जो मेन रास्ता है जिस होकर के हम लोग अक्सर फोर व्हीलर से निकलते हैं, तो वो रास्ता बहुत ही ख़राब था, तो और नया साल से पहले जो है रोड कंप्लीट रूप से बन रहा है और हमको लगता है एक से दो दिन के अंदर बन भी जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है रोड बन रहा है और अभी काम चल ही रहा है, और यहाँ पर भी मेरे इस रोड के बगल मेरा ज़मीन है तो हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो बात है कि रोड बन रहा है। दोस्तों फाइनली हम लोगों का जो सड़क है, जो मेन सड़क जो सिमरी बख्तियारपुर को जाती है और सिमरी बख्तियारपुर से हम लोग अलग अलग दिशा में कहीं कहीं जाते हैं, तो वो फाइनली सड़क जो है कंप्लीट रूप से बन रहा है और एक से दो दिन के अंदर कंप्लीट रूप से बन ही जाएगा। और मेरे पास जो फोर व्हीलर है उसको इस रोड में चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है और लगातार कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर लग जाने से जो है कहीं ना कहीं पैसा लगते रहता है, तो वो प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो पीछे भी मेरे पीछे जो है वो मशीन सब लगा हुआ है, तो हमको लगता है कि दो दिन के अंदर यानी कि दो दिन के अंदर जो है रोड कंप्लीट रूप से बन जाएगा। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।